बच्चों, अगर हम अपने घरों में प्लांट लगाना चाहेंगे, एक पौधा उगाना चाहेंगे, तो किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है? यदि मैं बीज लेकर उसे मिट्टी में डालती हूँ, फिर उसमें नियमित रूप से पानी डालती हूँ, यहाँ पर मैं सामान्य टेप वाटर की जगह या साधारण जल की जगह डिस्टिल वाटर का उपयोग करती हूँ, तो भी क्या पौधे की ग्रोथ पहले जैसे ही होगी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि पौधे को वृद्धि और विकास के लिए खनिज लवण की या खनिज पोषण की आवश्यकता होती है, और आपको पता ही है कि अशुद्ध जल शुद्ध जल होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का अन्य खनिज नहीं पाया जाता। तो पौधे को वृद्धि और विकास के लिए खनिज पोषण या खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जो उन्हें मिलती है मिट्टी और पानी से। तो आज हम उसी मिनरल्स या खनिज लवण का अध्ययन करेंगे। और खनिज लवण का संवहन पौधों में जाइलम के द्वारा होता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, और कुछ विशाल वृक्ष भी होते हैं। तो इनमें जल द्वारा अवशोषित खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। याद रखिएगा, जैसे जड़, जैसे जल और जैसे जाइलम, जल में ही घुला रहता है खनिज लवण, मिनरल्स अर्थात खनिज। जब हम पौधों को पानी दे रहे होते हैं, तो वास्तव में हम पानी के साथ साथ उन्हें खनिज लवण भी दे रहे होते हैं। खनिज लवण जैसे कैल्शियम, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम, सल्फर, पोटेशियम और आयरन आदि बहुत सारे मिनरल्स या खनिज लवण होते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। पौधों को भी स्वस्थ रहने के लिए मिनरल्स या खनिज लवण की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये अत्यंत ही आवश्यक हैं। और इन सब के फॉर्मेशन में, इन सब के बनने में कहीं ना कहीं खनिज जो है आवश्यक होते हैं। 18वीं शताब्दी के पहले इन पोषक तत्वों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। 2 अक्टूबर को 1832 में जन्मे जूलियस सीजर नाम के जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। उन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी पर एक बुक भी लिखी है। प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की उपाधि ग्रहण की। इन्होंने एक प्रयोग किया और एक गैस जार बनाया और उसमें हवा के लिए एक पाइप लगा दिया और नीचे पानी भर दिया, उसमें एक पौधा लगा दिया। एक व्यवस्था उन्होंने और की कि लिक्विड फॉर्म में कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने लिक्विड फॉर्म में उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले, मिट्टी यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने देखा कि तब भी पौधे, उन्होंने उस लिक्विड फॉर्म में आवश्यक जितने भी खनिज लवण है वो उसमें डाला। अब उन्होंने ऑब्जर्वेशन में पाया कि अब भी पौधे बिना मिट्टी के भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो कृषि की एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई तकनीकी का प्रादुर्भाव हुआ और जिसे कहा गया हाइड्रोपोनिक्स या जल कृषि या मृदा विहीन खेती। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जंगल तेजी से कटते जा रहे हैं और हमारी जो भारत की जनसंख्या है विस्फोटक रूप से बढ़ रही है। तो जब खेत पर्याप्त मात्रा में ही नहीं होंगे, खेती वाले जमीन ही नहीं होंगे, तो इतनी जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? तो इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक जो है आगे बहुत ही एक वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन को बढ़ाने में सफल सिद्ध हो रहा है। और हमारे जो सलाद में प्रायः यूज होते हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, इनकी खेती इस हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा बहुतायत मात्रा में हो रही है। अगर आपको इसको विस्तृत रूप से अपनी आंखों से भी देखना है, तो आप रायपुर
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जाकर देख सकते हैं। वहां हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा आलू, शिमला मिर्च, टमाटर इनकी खेती की जाती है। अपोलो 2 जो अमेरिका का अंतरिक्ष यान था, वो भी चंद्रमा के भूभाग से कुछ धूल के कण या धूल वहां से लाया गया था और उसमें भी पौधों को उगाकर देखा गया, तो ये पाया गया कि फर्न और लिवरवर्ट इन पौधों में तेजी से वृद्धि होती है और इसकी पत्तियां भी अधिक हरी होती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा पर भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जिससे पौधे ग्रोथ कर सके या पौधों के लिए उपयोगी तत्व वहां पर भी विद्यमान है। अब तक आपने देखा कि 1860 में सर्वप्रथम प्लांट्स को वयस्क अवस्था तक मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन में भी उगाया जा सकता है। यह प्रयोग वर्तमान समय के लिए चमत्कार सिद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि विश्व की जनसंख्या विस्फोटक रूप से तेजी से बढ़ रही है और खाद्य की आपूर्ति के लिए अब विश्वसनीय और बेहतर तरीकों की आवश्यकता है, तो उसके लिए हाइड्रोपोनिक्स अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। हाइड्रोपोनिक्स के लाभ, द फर्स्ट वन इज पादपों को कहीं भी उगाया जा सकता है। आप देखते होंगे कि छतों पर भी बहुत सारे प्लांट्स, पहले तो हम छतों पर छोटे छोटे प्लांट्स उगाते थे, पर आजकल देखिए कि बड़े बड़े जो पेड़ जिसको हम कह सकते हैं वो भी छतों पर उगाया जा सक रहा है। सेकंड वन है कि पादपों की वृद्धि इसमें नियंत्रित रहती है और इसका तीसरा लाभ यह है कि जल और पोषक तत्वों का वेस्टेज नहीं होता, उनकी बर्बादी नहीं होती। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जली संतुलित पोषक माध्यम में पौधों को बिना मृदा के उगाना ही क्या कहलाता है, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या लाभ है, तो वर्तमान समय में तो गाजर, टमाटर, बीज रहित खीरा और गुलाब इसका कमर्शियल उत्पादन करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स का बहुत मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद आप पूछेंगे जरूर या सोचेंगे जरूर कि इसका फायदा क्या है, क्योंकि हम हर चीज में अपना फायदा जरूर देखते हैं। तो इस तकनीकी को और आगे बढ़ाया गया कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, जो जूलियस वान सेचस है, उनकी जो उनका प्रयोग है उसे आगे बढ़ाया गया, जिसमें आर्नन, हॉगलैंड और हेविट इन्होंने इस प्रयोग को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए ये पता लगाया कि किस पोषक तत्व को डालने से पौधे में क्या लक्षण प्रकट होते हैं। अर्थात जब हम पोषक तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि क्या पोषक तत्व अधिक मात्रा में पौधे को चाहिए या कौन से पोषक तत्व कम मात्रा में चाहिए या सभी जरूरी हैं पौधे के लिए या नहीं। तो उन्होंने एक प्रयोग करके देखा और उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे एक ही उम्र के लगभग प्लांट लिए और उनको अलग अलग जार में लिया। पहली दफा उन्होंने किया यह कार्य कि सभी पोषक विलयन को डाला, सभी तत्वों को डाला, उसमें से पोटेशियम गायब कर दिया, पत्तियां पीली पड़ गई या भूरी होने लगी, तो यह निष्कर्ष निकला कि पोटेशियम पत्तियों को हरा रखने के लिए आवश्यक है। दूसरी बार क्या किया, आयरन गायब कर दिया, पत्तियां कुछ मुरझाई हुई दिखी, तो निष्कर्ष निकला कि पत्तियों को खिलाकर रखने के लिए आयरन आवश्यक है। तीसरी बार उन्होंने क्या किया कि सारे पोषक तत्व तो डाले लेकिन कैल्शियम गायब कर दिया, इससे पौधों में जड़ों की वृद्धि कम होने लगी, अर्थात जड़ जो है ठीक से वृद्धि नहीं कर पाए। अगली बार इन्होंने किया कि नाइट्रोजन को
पोषक तत्व से गायब कर दिया, पौधा बौना रहने लगा। तो इस प्रकार वे धीरे 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 उन्होंने हर पोषक तत्व में यह प्रयोग किया कि पूरे बहुत सारे पोषक तत्वों को उसमें डाल देते थे पोषक विलयन में, लेकिन एक तत्व को गायब कर देते थे। विलयन में जिस तत्व को नहीं डाला गया उनका प्रभाव या उनकी कमी से जो लक्षण दिखे उसे डेफिशिएंसी सिम्टम या अभाव के लक्षण कहा। तो इस प्रकार इस प्रयोग के द्वारा हमें यह भी ज्ञात हुआ कि कौन सा तत्व आवश्यक है, कौन सा अधिक आवश्यक है और कौन सा कम आवश्यक है, और इसी के साथ ही एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आया, जिसे हम कह सकते हैं अनिवार्य तत्व। और अधिक जानकारी के लिए हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लांट आस या पादप भस्म का संघटन। जब पौधे या अंगों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है या सुखाया जाता है तब जल वाष्प बनकर निकल जाता है, और पौधे का भार लेने पर हम उसे शुष्क भार या ड्राई वेट कहते हैं। जब पौधे के शुष्क भाग को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंगीठी या भट्टी में ज्वलित करें तो उसका जो कार्बनिक अंश है वो विघटित होकर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। उसका कार्बनिक अंश के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, SO2, नाइट्रोजन, अमोनिया और मीथेन आदि वाष्प बनकर निकल जाते हैं, तो जो अकार्बनिक पदार्थ बचता है उसे ही हम प्लांट आश या भस्म या राख कह सकते हैं। तो आपकी पुस्तक के अनुसार अभी तक 105 तत्वों में, ऐसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 119-118 तत्वों की खोज हो चुकी है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन चूंकि आपके बुक में 105 तत्वों का ही उल्लेख है तो 105 तत्वों में से 60 तत्व का उपयोग पौधे करते हैं। 60 खनिज तत्वों में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, और बहुत सारे खनिज तत्व हैं जिनका उपयोग पौधे करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अभी तक पौधों में प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि 60 या 60 तत्वों की मात्रा पौधों में पाई गई है। प्लांट आस से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि कौन सा तत्व पौधों में अधिक मात्रा में पाया जाता है और कौन सा तत्व पौधों में कम मात्रा में पाया जाता है। तो अब तक हमने पाया कि बहुत सारे खनिज पौधों के लिए अनिवार्य है और कुछ कम अनिवार्य है। तो जो पौधा होता है वो जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ पर की जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसमें जो भी खनिज तत्व होते हैं उनको वो अवशोषित कर लेता है। इसको भी कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, लेकिन यह आवश्यक या अनिवार्य नहीं है कि वो सभी तत्वों का उपयोग करे। यहाँ तक कि जो गोल्ड माइंस होते हैं, सोने की खदान होती है, वहाँ पर उपस्थित, वहाँ पर उगे हुए सरसों के पौधे का प्रयोग करके देखा गया तो उसमें गोल्ड पाया गया। अब आप कहेंगे कि पौधों में भी सोना हो सकता है क्या? तो हाँ, जो गोल्ड माइंस या सोने की फैक्ट्री होती है वहाँ पर कुछ मात्रा में गोल्ड को भी पौधे अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार यदि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं या ताप बिजली संयंत्र होते हैं या जो न्यूक्लियर संस्थान होते हैं जहाँ पर नाभिकीय प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर के जो पौधे होते हैं उनमें रेडियो एक्टिव तत्व भी पाया गया। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है,
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है अनेक प्रकार के खनिज तत्वों को धारण कर सकता है। अब तक हमने जाना कि 105 तत्वों में से 60 तत्व पौधों में पाए जाते हैं। अब हम यह जानते हैं कि कौन से तत्व अनिवार्य हैं, कौन से कम अनिवार्य है। इसके लिए हम खनिज पोषकों को दो भागों में बांटते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, अनिवार्य खनिज तत्व और कम अनिवार्य खनिज तत्व। इसके आधार पर अनिवार्य और कम अनिवार्य या एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय करते हैं। तो इसमें पहला क्राइटेरिया है, कुछ मापदंड हम अपनाते हैं, मापदंड है कुछ जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये खनिज तत्व पौधे के लिए अनिवार्य की श्रेणी में आता है और ये कम अनिवार्य या अनिवार्य नहीं की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है इसका कि इसके बिना पौधे अपना जीवन चक्र या लाइफ साइकिल पूर्ण नहीं कर सकते। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि जो अनिवार्य खनिज तत्व होते हैं वे स्पेसिफिक या विशिष्ट होते हैं। अनिवार्य तत्व हैं, पोटेशियम का काम मैग्नीशियम नहीं कर सकता, कैल्शियम का काम सल्फर नहीं कर सकता। तो दूसरा मुख्य क्राइटेरिया यह है अनिवार्य होने का कि जो तत्व होते हैं वो स्पेसिफिक या विशिष्ट होते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है कि ये जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो पौधों के उपापचय इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सीधे रूप से ये पौधे को, पौधे के उपापचय को प्रभावित करने वाले होते हैं। इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या दीर्घ मात्रिक तत्व। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या दीर्घ मात्रिक तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिनकी मात्रा पौधे में अधिक होती है। और कितनी अधिक होती है? तो सामान्य जो प्लांट्स होते हैं, सामान्यतः प्लांट्स में यदि हम शुष्क पदार्थ के रूप में देखें तो 1 to 10 मिलीग्राम, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, 1 to 10 मिलीग्राम पर लीटर जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या दीर्घ मात्रिक तत्व के अंतर्गत रखते हैं। जिसके अंतर्गत मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उसी से ही याद रखिएगा। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 9 तत्व आते हैं। तो उसके लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, सी से चतुर से ओझा, ने पारो से कब मांगा कैल्शियम, चतुर से सी को याद रखेंगे, सिंह चतुर सिंह जो है इससे सी को याद रखेंगे और एच को याद रखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। ओ से, ओझा से ओ को याद रखेंगे, ने, ने के लिए नाइट्रोजन एन को याद रखेंगे, पायल या पारो आपको जो नाम पसंद है आप रख सकते हैं, उससे फास्फोरस को याद रखेंगे, से के लिए सल्फर, कब उसके लिए आप पोटेशियम को याद रखेंगे। थोड़ा इसको ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि हम कहते पोटेशियम है पर लिखते हैं के, तो इसलिए हम कब। उसके बाद मांगा से Mg, मैग्नीशियम को याद रखेंगे और कैल्शियम तो कैल्शियम है ही। तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से और आसानी से इन दीर्घ मात्रिक तत्वों को याद कर पाएंगे। एक बार फिर नोट कीजिए, चतुर सिंह ओझा ने पायल से कब मांगा कैल्शियम। तो ये हमारे 9 तत्व हो गए। इनमें से जो CHO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पौधे जल से ग्रहण करते हैं, बाकी शेष जो तत्व हैं उनको मृदा से
पौधे ग्रहण करते हैं। ये तो थे दीर्घमात्रिक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी अधिक मात्रा पौधों को आवश्यक होती है। अब आइए चलते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ओर, जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व या सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं वो पौधों में बहुत ही कम मात्रा में, लगभग 0.1 मिलीग्राम पर लीटर या 0.1 मिलीग्राम पर लीटर ही आवश्यक होते हैं। तो इन तत्वों को या उन तत्वों को जिनकी कम मात्रा 0.1 मिलीग्राम पौधों को होती है आवश्यक, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म मात्रिक तत्व। तो आइए इसके लिए भी हम एक ट्रिक देखते हैं। इसके अंतर्गत क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, निकेल, कॉपर और बोरान। तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे ताकि हम इन तत्वों को अच्छे से याद कर सके और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेहतर प्रदर्शन कर सके। कल फिर मनमोहन जिंदगी नई क्यों बोले, कल फिर मनमोहन जिंदगी नई क्यों बोले। आप अपनी सुविधा के अनुसार खुद भी ट्रिक बना सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ वही याद रखेंगे, पर हाँ यदि आप ट्रिक के रूप में याद रखते हैं तो विज्ञान के जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमेशा ट्रिक और माइंड मैप का उपयोग आप अपने विज्ञान अध्ययन अध्यापन के दौरान जरूर कीजिए। तो कल से हम याद रखेंगे क्लोरीन, फिर Fe आयरन, फिर में से याद रखेंगे आयरन, मन इसका जो संकेत है Mn मैग्नीज, तो कल फिर मन, मोहन Mo उससे हम याद रखेंगे मॉलिब्डेनम, जिंदगी जिंदगी Zn जिंक को याद रखेंगे, नहीं यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं मैंने Ni जो निकिल है उसको नहीं ट्रिक बनाया है, आप अपनी सुविधा अनुसार भी बना सकते हैं। क्यों, ये तो बहुत ही इजी है, क्यों से कॉपर और बोले बी से बोरान। तो फिर से एक बार दोहराएंगे, आप सभी भी नोट कर लेंगे, कल फिर मनमोहन जिंदगी नई क्यों बोले। तो ये हो गए 8 तत्व। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले अध्ययन किया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत 9 तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म मात्रिक तत्व के अंतर्गत 8 तत्व, कुल हुए 17। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो 60 पोषक तत्व पौधे ग्रहण करते हैं या पौधे में पाए जाते हैं उनमें से 17 या 17 एलिमेंट्स 17 तत्व वो उपयोग करते हैं और उनके लिए अत्यंत अनिवार्य है, और इनके उपयोग करने की मात्रा के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनमें से जो 3 तत्व हैं पोटेशियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन, इनको क्रिटिकल एलिमेंट भी कहते हैं। कि क्रिटिकल एलिमेंट्स इनको क्यों कहते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, इनके लिए भी एक ट्रिक है, प्रॉब्लम कहीं नहीं।